मध्य प्रदेश में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। विसर्जन के दौरान भोपाल की मशहूर छोटी झील के खाटलापुरा घाट पर नाव पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया है। दरअसल खाटलापुरा घाट के पास सुबह 4:30 बजे ये घटना हुई, जिस नाव को मूर्ति विसर्जित करने के लिए झील में उतारा गया, वो नाव बेहद छोटी थी, जबकि मूर्ति काफी बड़ी थी। मूर्ति विसर्जन के लिए पानी में उतारने के दौरान नाव एक तरफ झुक गई और पलट गई। हादसे के दौरान नाव में सवार लोग मूर्ति के नीचे आ गए। हादसे का पता चलते ही स्थान प्रशासन के साथ साथ SDRF की टीम भी रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। जिन लोगों की मौत हुई है वो पिपलानी के 1100 क्वार्टर के रहने वाले थे। प्रदेश के मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि जांच में पता चलेगा कि घटना कैसे हुई। मृतकों के परिवार को नगर निगम की ओर से 50,000 की सहायता राशि और मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिवार को 4,00,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी जो 6 लोग बचे हैं उनके आदि भाइयों में उनसे मिलने जा रहे हैं, कैसे क्या हुआ। और एक तो किनारे लगभग किनारे पे ये हादसा हुआ है और बहुत बड़ी दुर्घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पर जाँच होकर कार्रवाई होगी कि आखिर लापरवाही कहाँ रही। और ये जैकेट, लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पर जाना चाहिए, इस चीज़ को देखा जाए। 4,00,000 रुपए अभी कलेक्टर ने बताया कि मुआवजा दिया है और भी मदद की जाएगी और बाकी नगर निगम व्यवस्था करेगी। भोपाल में हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। जाहिर है CM ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन गणपति विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे ने न जाने कितने घरों के दीपक को बुझा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।